इधर योगी जी अपराधियों के खात्मे का दावा करते रहे, उधर आरोपी विधायक बनकर लोगों को लगाते रहे चूना। एक बना विधायक और दूसरा बन गया एडीजी, जमकर लोगों से की वसूली। खुद कई बार पुलिस के लोग ही अपराधियों को ठोकते थे सलाह। पुलिस के सिपाही पर रौब झाड़ना पड़ गया महंगा। कलई खुली तो अधिकारी भी रह गए हैरान। विभाग सरकारी दावों और अधिकारियों पर उठे सवाल। गिरफ्तार आरोपियों के कबूलनामे से मचा हड़कंप। देखिए कौन है आरोपी और कैसे रडार पर आए और कैसे दिया खाकी को चकमा। सीएम योगी अपराध के खात्मे का दावा करते रहे, पुलिस अधिकारी एनकाउंटर का हवाला देकर मूछों पर ताव देते रहे। और इधर अपराधी इतने शातिर निकले कि एक विधायक बन गया और दूसरा एडीजी बन गया, और ऐसे ऐसे कांडों को अंजाम दिया कि जब खुलासा हुआ तो फिर हल्ला मच गया। शातिरों ने वैसे तो पूरी तैयारी कर ली थी कि कोई उन्हें पकड़ ना पाए, लेकिन फिर भी एक चूक हो गई और उस चूक ने आरोपियों को सलाखों में कैद करवा दिया। जो अब तक लोगों पर रौब झाड़ते थे वो पुलिस का डंडा चला तो फिर रट्टू तोते की तरह सब उगलने लगे, और जो खुलासे किए उन्हें तो सुनकर अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए। भले ही इस गिरफ्तारी पर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं और सवाल सरकार से भी किए जा रहे हैं कि आप तो दावा कर रहे थे अपराधियों का खात्मा हो गया है और यहां अपराधी आपकी ही बिरादरी में शामिल हो गए हैं और जमकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। जानकारी की माने तो लखनऊ पुलिस अफसर और विधायक बन उगाही करने वाले शातिर यूसीजी सीरीज का नंबर इस्तेमाल करते थे। ट्रू कॉलर पर एडीजी के नाम से प्रोफाइल बनाई थी। ये नंबर ट्रेस कर सेलिब्रांस के एक सिपाही ने जब उनसे बात की तो उसको धमका का और अपने दबाव में लेने का प्रयास किया। जमकर फटकारा और बोला कि सिपाही के पास सरकारी नंबर कैसे है। इसी सिपाही थोड़ा सहमा, लेकिन जब अधिकारियों को इस बारे में बताया तो उनको शक हो गया। जब मोबाइल नंबर की कुंडली निकाली गई तो आरोपी जद में आ गए और दबोच लिए गए। एडीसी पूर्वी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी शैलेंद्र कुमार और रविंद्र कुमार लंबे समय से फरार थे। सर्विलांस टीम ने एक सीयूजी सीरीज का नंबर चिन्हित किया था। शक था कि यह नंबर आरोपियों में से किसी एक का है। संपर्क किया तो बात रविंद्र ने की और खुद को एडीजी बताया। सिपाही ने सवाल करने शुरू किए तो वो भड़कता रहा, नौकरी से हटवाने की धमकी दे दी। एडीसीपी ने बताया कि तभी शक हो गया था कि ये शातिर शख्स है। मोबाइल नंबर की डिटेल निकाली तो प्राइवेट शख्स की आईडी पर मिला। एडीसीपी ने बताया कि काफी साल पहले सामान्य लोगों को भी सीयूजी सीरीज के नंबर आवंटित किए गए थे। ये नंबर आरोपी रविंद्र ने तभी लिया था। आरोपियों ने एसयूवी में वॉकी टॉकी सिस्टम लगवा रखा था। जब वो चलता था तो दो तीन गुर्गे साथ होते थे। कभी भी वो टोल नहीं भरता था, उसके गुर्गे वॉकी टॉकी लेकर उतरते थे। गाड़ी में एडीजी के होने की बात कहकर बैरियर खुलवाते थे। ये सैकड़ों बार किया था। आरोपी के पास से पुलिस के कई आईडी कार्ड भी बरामद हुए हैं। आरोपियों के खातों में मोटी रकम मिली है। खाते फ्रीज करवाए जा चुके हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो राह चलते भी वसूली करते थे। सड़क किनारे गाड़ी के भीतर आरोपी बैठे रहते थे, उनके गुर्गे गाड़ियां रुकवाते थे। रविंद्र और शैलेंद्र को पुलिस अफसर बताकर चेकिंग के नाम पर रकम वसूल करते थे। आरोपियों के पास से डीजी के सर्कुलर भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में बताया कि वो इन सर्कुलर को पढ़कर जानकारियां लेते थे, यदि कभी पुलिस वाले से टकरा जाए तो विश्वास के साथ बात कर सकें, किसी तर्क में ना फंसे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई पुलिसकर्मी आरोपियों के करीबी हैं, जिनसे उनको पूरी जानकारी मिली है। मोबाइल से कई अहम जानकारियां मिली हैं। कुछ पुलिस अधिकारियों के नंबर और उनके व्हाट्सएप चैट भी हैं, जिसकी तस्दीक की जा रही है। आरोपियों ने जो खुलासे किए हैं उनसे अब अधिकारियों का माथा ठनका हुआ है। उन्हें लगता है कि उनके साथ और भी लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे में लगातार पूछताछ का दौर जारी है और पूछताछ के साथ ही आरोपियों के द्वारा दी गई जानकारी की भी पुष्टि की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।